ये दिल है मोहब्बत का प्यासा, इस दिल का तड़पना क्या कहिए। ये दिल है मोहब्बत का प्यासा, इस दिल का तड़पना क्या कहिए। हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में मैं इस गाने का पार्ट टू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये दिल है मोहब्बत क्या प्यासा। इसका पार्ट वन मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जिसको आप प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे, और ये हमारा पार्ट टू है। ठीक है, पार्ट वन में हमने आपको स्थाई और म्यूजिक बताया था, इस पार्ट में हम आपको इसका अंतरा बताएंगे। इसका अंतरा भी बहुत ही प्यारा है, तो इसके अंतरा को भी आप अच्छे से समझें, और ताकि आप इसको भी अच्छे से बजा पाए और साथ में गा पाए। तो आइए शुरू करते हैं किस प्रकार हमारा ये अंतरा आएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हर वीडियो आपको मिले और आपसे देखकर प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अंतरा की। सबसे पहले हम आपको फर्स्ट लाइन गाकर सुनाते हैं। अंतरा की हमारी फर्स्ट लाइन क्या है? ये शौक हमें के उठा ले मगर, ये शौक हमें के उठा ले मगर, इस तरह हमारी ये फर्स्ट लाइन आएगी। सबसे पहले इसका सरगम देखते हैं। ये शौक धा नी नी, ये शौक धा नी नी हमें के धानी रे रे, हमें के धानी रे रे उठा ले मगर, उठा ले मगर। ये हमारा पूरा एक फ्रेज होगा, उठा ले मगर, नी नी धा पा धा पापा। अब इसमें भी हम वर्डों को अलग कर देते हैं। उठा, उठा जो है उसका सरगम होगा नी नी धा ले, ले का होगा पाधा मगर पापा, उठा ले मगर, ये शौक हमें के उठा ले मगर, इस तरह हमारी ये फर्स्ट लाइन आएगी। ठीक है, सेकंड लाइन क्या होगी? इसको भी हम आपको एक बार गा के दिखाते हैं। वो शर्म हया के मारे हैं ये शौक, वो शर्म हया के मारे हैं ये शौक, ये साथ में जुड़ेगा। ठीक है, इसका भी सरगम देखते हैं। वो जो है वो धा पे आएगा, वो शर्म नी रे रे, वो शर्म धा नी रे रे हया रे रे गा रे, यहाँ पे दोनों रे लगेंगे, हया हया रे रे गा रे 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 गा रे हाया के। अब के जो है उसमें लगेगा नी धा पा धा, के मारे हैं, मारे हैं रे 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 के मारे हैं, नी धा पा धा रे रे रे, ये शौक ये यहाँ पे साथ में जुड़ेगा, और उसके बाद में फिर वही लाइन पूरी हमारी वापस आ जाएगी। यहाँ पे जैसे हमारा दूसरी बार आएगा ये शौक, और उसके बाद फिर वही फर्स्ट वाली लाइन आ जाएगी,
ये शौक हमने थे उठाए उन्हें वो अब यहाँ पे जो है वो शर्म हया के मारे हैं ये आएगा वो यहाँ पे जो वो है उसको आपको थोड़ा ध्यान से लेना होगा वो धा रे रे नी धा रे रे को हल्का लेना वो धा रे रे नी धा धा रे रे नी धा वो एक सिंगल रे भी आप ले सकते हैं लेकिन वहां पे फिर आपको गला हिलाना पड़ेगा वो धा रे रे नी धा शर्म शर्म धा धा शर्म हया के धा 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 शर्म धा धा हया के धा 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 मारे हैं इस तरह वो शर्म हया के मारे हैं इस तरह हमारी ये पूरी लाइन आएगी। इसके बाद में एक छोटा सा म्यूजिक आ जाएगा। म्यूजिक क्या होगा आइए म्यूजिक भी देखते हैं। पामा गारे सानी मापा गा वो शर्म हया के मारे हैं उसके बाद ये म्यूजिक आएगा। पामा गारे सानी मापा गा उसके बाद में ये हद से गुजर ये गा हद से मा पापा गुजर पा मापा ये हद से गुजर गा मा पापा पा मापा जाना अपना जाना अपना जा मगा ना रेसा अपना रे मामा अपना और धामा उनका और उनका धामा गागा और उनका धामा गागा सिमटना गामा पा मा गरे सिमटना गामा पा मा गरे क्या 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 कहिए क्या क्या कहिए मा गा 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 क्या कहिए मा गा 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 ये हद से गुजर जाना अपना ये हद से गुजर जाना अपना और उनका सिमटना क्या कहिए इस तरह हमारा ये अंतरा एंड होगा। मैं आपको लास्ट में एक बार थोड़ा बजा के दिखाता हूँ ठीक है अंतरा कि जब आप उसको तैयार कर लेंगे तो लास्ट में किस तरह वो आएगा। Thank you.
इस तरह हमारा ये पूरा आएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और खूब मेहनत करें। जैसे हमने आपको स्थाई बताया था, स्थाई को आपने प्रैक्टिस किया, ये हमारा अंतरा है, अंतरा को भी खूब प्रैक्टिस करें तो ये आपका एक स्थाई अंतरा अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आप प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो आप क्लास ज्वाइन करें और घर बैठे कोई भी गाना आप मुझसे सीख सकते हैं, ठीक है। मेरी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं व्हाट्सएप पर, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप क्लास ज्वाइन करें, और अगर आप इसमें अच्छा करना चाहते हैं तो जरूर सीखें, क्योंकि सीखने से ही सब कुछ होता है। सीखने से एक तो आपकी प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस सही जब ही होती है जब उसकी समझ भी साथ साथ में मिलती है। हम मान लो यूट्यूब से कोई टास्क निकाल के उसको बजा तो लेते हैं, लेकिन समझ नहीं होती हमें, हम जैसे उसमें कोई बजा के दिखा देता वैसा ही बजा लेते हैं। लेकिन अगर आपको कोई समझा के बजाए और कोई चीज अच्छे से आपके समझ में आ जाए, उसके आगे पीछे का जो उसका भाव होता है वो समझ में आ जाए, तो फिर हमें करने में आसानी होती है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।